हटो यहाँ से। नहीं हटेंगे तो क्या कर लोगी? बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। मीठी भी एक ऐसी ही बच्ची थी, ना सिर्फ समाज ने बल्कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे ठुकरा दिया। अब सगुनी निकलोगी ये नहीं सोचे थे हम लोग? अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर, खेत खलियान बेच दिए, घर बार गिरवी रख दिए ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे, उसे भी तेरे भाग खा गए। हमारे भाग ने किसी को नहीं खाया, आपने हमारी जबरदस्ती शादी की, हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करेगी पढ़ लिख कर, प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। पापू जी एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलेट पर खल्ली घिस के तेरा भाग बदलेगा? काहे नहीं बदलेगी, तू अब इस घर में नहीं रह सकती, विधवा आश्रम से लोग इसे ले जाने आ रहे हैं ताकि तेरा बुरा साया दूसरे बच्चों पर ना पड़े। बाल विधवा को हम इस घर में नहीं रख सकते। बाल विवाह कानूनी अपराध है। शादी के लिए सही उम्र लड़कियों में कम से कम 18 साल और लड़कों में कम से कम 21 साल है। मीठी को हमारे परिवार का साथ मिला और परिवार के साथ उसे मिली हिम्मत और शिक्षा। मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बाबूजी ये मीठी है, हमारे परिवार की नई सदस्य। प्रतापपुर है, यहां पर लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। ये बच्ची एक तो बाल विधवा है, ऊपर से इसकी जाति बड़ी हो या छोटी, इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने हमें सिखाया था ना, किताबी बातें किताबी होती हैं। समाज नाम की कोई चीज बनाई है ना भगवान ने? भगवान ने नहीं, इंसान ने। अगर नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता बाबूजी। कहाँ जाती वो? उसके घर वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया, लोगों ने उसका तमाशा बनाया हुआ है। अगर यहां नहीं लाती तो कली सी बच्ची खिलने से पहले ही मुरझा जाती। मीठी को अपनी बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी, उसे हमारी तरह बड़ा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए ताकि बड़ी होकर कोई उसकी जाति के आधार पर उसे किसी से कम ना कह सके। हम मीठी को अपनी बच्ची की तरह इस आंगन में पाल पोस कर बड़ा करें। ये सब कुछ उसके लिए एक स्वप्न की तरह था। आज उसका सपना पूरा हुआ, उसे एक स्कॉलरशिप मिली। हो सकता है कि एक दिन वो सचमुच इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। मैंने एक दिन पापा से कहा था कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगी, मैंने वो बहुत गुस्से से कहा था क्योंकि मेरे पापा मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे थे। उस दिन शायद मैंने गुस्से से कहा था, लेकिन आज पूरे होश के साथ मैं कहती हूँ कि
क्यों एक लड़की एक सपना नहीं देख सकती कि वो भी प्रधानमंत्री बनेगी? मुझे जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन मेरे सपनों को जन्म आपने दिया है दीदी। आप ही मेरी सब कुछ है, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी भी बेटी को सपने देखने से मत रोकिए, सपनों की लक्ष्मण रेखा भी मत खींचिए, उसे पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। माँ, हमारी टीम अव्वल आएगी। पूरे प्रतापपुर में कभी भी लड़कियों की टीम फुटबॉल खेलने बाहर नहीं गई है। हम जीतेंगे तो आपका सर गर्व से ऊपर होगा, नीचे नहीं। और समाज से कब से आप डरने लगी हैं? हर माँ की तरह आपने भी हमें जन्म दिया है। हमारे भी दो हाथ दो पांव हैं, लेकिन आपको पता है हम सबसे अलग क्यों हैं? आपने हमें चलना नहीं उड़ना सिखाया है। अरे एकदम सही कह रही है प्रीता, आओ बैठो। देखो तुमने उसे पंख दिए है ना, तो उसे जमीन पर रुकने मत दो है ना, उसे उड़ने दो। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमा, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। उड़ो प्रीता, खूब फुटबॉल खेलो। आज तक ये प्रतापपुर में नहीं हुआ था, पहली बार लड़कियों की फुटबॉल टीम बनी। टेक देना सबसे आसान है, हाथ खड़े करना सबसे आसान है, लेकिन जो लोग नामुमकिन के पीछे भागते हैं ना और मुमकिन करके दिखाते हैं, वो असली खिलाड़ी होते हैं। लड़कियों का फुटबॉल खेलना अपने आप में एक नई शुरुआत थी, लेकिन कुछ लड़कों ने उन्हें तंग करना, परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तमाती हुई लड़की को ना मचलती हुई मछली के जैसे काबू में करने का मजा ही कुछ और है। अभी तो चुन्नी ली है, एक दिन तुम्हें भी उड़ा कर ले जाएंगे, समझी? साथ भी खेल लो।
हमारे साथ पिकनिक पे चलो। अरे अब जमाना बदल गया है, हनीमून मनाते हैं, क्या बोलती हो? हनीमून मनाना है, जाओ घर जाओ, माँ को बोलना कि चम्मच से हनी पिलाए, खा लो हनी और रात में बैठ के मून देखना, हो जाएगा हनीमून। चलो अब निकलो, अगर दोबारा ग्राउंड में दिखाई दिए ना ये सारी लड़कियां मिलकर ना तुम्हारा छत्ता बना देंगी, समझ में आया? चलो आउट। बाहर दोबारा देखने आ रहे हैं तुम्हें, निकलो और दोबारा दिखाई दिए ना एक एक की बाई उठा के बाहर फेंक देंगे, चलो निकलो। जाओ जाओ पिकनिक मनाओ, जाओ निकलो। हमेशा से ही बेटियों को घर की इज्जत कहा जाता है, पर अपने बच्चों की परवरिश में हम एक बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे बेटे भी हमारे घर की इज्जत है। अगर हमारे लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं करेंगे तो एक संतुलित समाज की स्थापना नामुमकिन है। रघु, रघु, स्वाति जाकर देख क्या कर रहे हैं, बुलाकर लेकर आओ उसे। भैया माँ बुला रही है, जो भी कर रहे हो वो सब छोड़कर नीचे आओ। क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? और इसको क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? सामान उठाओ और निकलो इस घर से, घर की इज्जत को धूल में उड़ा दिया है तुमने। तुम्हारे बाबूजी ने कितने नाजों से पाला तुम्हें और तुमने उनका सारा नाज चकनाचूर कर दिया। इस घर से बाहर रहोगे ना तब पता चलेगा घर क्या होता है, यहाँ रहकर तुम्हें उसकी कदर नहीं होने वाली। हमारे बेटा को तो दब्बू बना ही चुकी हो, पुलिस पकड़ कर ले गई लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, अब डरा धमका के हमारे पोता को भी दबाना चाहती हो? कम से कम इसके अंदर दम है, दबंगई है, गीदड़ की तरह डरपोक नहीं है हमारा पोता, ये कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। गीदड़ नहीं है आपका पोता, शेर है, बल और दबंगई से जंगल में राज किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं। और किस बात की दबंगई, किस बात का दम, अरे कायर है ये। जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ नहीं सकता ना, इसलिए नशा करता है, चोरी करता है। उठा अपना सामान और निकल इस घर से। जन्म देके ना कोई एहसान नहीं किया आपने हमें। हाँ, और दिया क्या है तुमने आज तक हमें? हाँ? कभी कभी महंगे खिलौने लाके दिए, कभी 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 मोटर बाइक दिया में लाके? हाँ? और जब भी जेब खर्ची मांगता हूं तो तंगी का घर की तंगी का बहाना कर देती हो। हाँ,
और वो हमारे बाबूजी माला जपते रहते हैं, घंटी बजाते रहते हैं, ईमानदारी का ढोंग करते हैं, कुछ नहीं हासिल होने वाला और लोग आके उन्हें चिल्लर डाल जाते हैं उनकी कटोरी में। हाथ हाथ मत उठाना, हाथ हम भी उठा सकते हैं। हाँ, 2 साल की छोटे बच्चे नहीं है तो पर दो मार दोगी और हम चुप हो जाएंगे। मत करना ये गलती। तुम क्या निकालोगी मुझे, क्या निकालोगी तुम मुझे? हम खुद जा रहे हैं, एक पल नहीं रहना इस घर में, इस नरक में। जा रहे हैं हम, चले जाएंगे। नहीं हटेंगे तो क्या कर लोगी? कल हमारा मैच है, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। पिकनिक पे चल लो, हट जाएंगे। कितने दिन से कह रहे हैं पिकनिक पे चल लो, तुम समझती नहीं हो। एक काम करो, फुटबॉल लेके चलो, वहीं खेलेंगे। चलो, अच्छा चलो मारो, हम भी देखते हैं तुम कितना फुटबॉल खेल लियो। मारो। रीता, पेनल्टी किक। इस उम्र में गुस्सा और उत्तेजना इतनी तेज होती है कि कोई भी हद पार कर सकता है, कोई भी हद।
रघु भाई, हम प्रीता को नहीं छोड़ेंगे।